अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए News 44। देख रहे हैं News 44 और मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के 11 जगहों पर नुक्कड़ नाटक यानी कि नुक्कड़ सभा कर रही है, जहां पर वो अपने वरिष्ठ नेतागण और विधायक और सांसदों के साथ लोगों के बीच जा रही है, क्योंकि 23 तारीख को दिल्ली में उपचुनाव होने वाले हैं 23 जून को, जिसकी वो लगातार तैयारियाँ कर रही है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो इस चुनाव में जीत रहे हैं, वहीं जो भाजपा है उनको टक्कर देने के लिए लगातार जगह जगह पर अपने प्रदर्शन कर रही है। आइए आज इसी विषय पर कुछ नेता से, कुछ वरिष्ठगण से, और नेता जो कि विधायक है, सांसद है, उन्हीं लोगों से बात करेंगे, जो कार्यकर्ता है बीजेपी के उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ तैयारियाँ हैं। आइए मेरे साथ चलते हैं। चुनाव जो है उसमें उनकी बढ़त है और वो जीतने वाले हैं, आपकी यहाँ पे इसमें क्या तैयारी है? 23 तारीख को पता चलेगा ना, वो कोई भविष्यवाणी थोड़ा करते हैं जी। ठीक है, यहाँ पर लोकल जनता से पूछिए कि कितने स्कूल, कितने कॉलेज, क्या यहाँ पर पानी आता है, क्या साफ पानी जो जिसका वादा किया था। यमुना की हालत देखिए, कितने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोले, बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं। वैसे भी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो तो देश के विज्ञापन मंत्री हैं। पहले ये बोले कि अपने जो स्वास्थ्य मंत्री है उनकी याददाश्त वापस लेके आए, दिल्ली का भविष्य हम संभाल सकेंगे। हमारे साथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के यूथ जो लीडर है वो हमारे साथ हैं, भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के, उनसे बात करते हैं। गुंजन जी हमारे साथ हैं। गुंजन जी, क्या कुछ तैयारियां रही हैं आपकी अभी तक, क्योंकि 23 तारीख को उपचुनाव होने वाले हैं, क्या तैयारियाँ हैं आपकी? हमारी तैयारियाँ यही है कि यहाँ के जो लोकल कैंडिडेट है, यहीं के लोकल भाजपा प्रत्याशी है श्री रजेश भाटिया जी, यहीं के लोगों के साथ घर घर जाके प्रचार करें। हम यहीं के लोगों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, हम कोई भी भारी व्यक्ति यहां पर नहीं लेकर आ रहे। आप अभी बाहर जाएंगे तो देखेंगे कि कहीं दूसरे विधानसभा क्षेत्र की बसें आई हुई हैं, कोई दूसरे वार्ड की बसें आई हुई है, कोई इधर उधर की आई हुई है। और आप जब यहां पर आए हैं तो आपने यहां पर कौन सा ऐसा लोग देखा जो राजेंद्र नगर विधानसभा का भार का आया हुआ है? हो सकता है कि कोई जिले के पदाधिकारी हो, वो थोड़े से बाहर से हो, क्योंकि वो जिले के पदाधिकारी जब चुनाव लड़ा जाता है तो जिले के पूरी टीम लड़ाती है। करोलबाग जिला राजेंद्र नगर विधानसभा के बीच ही आता है। आपने बोला बाहर का कोई नहीं था, चलिए वो बात वहाँ पे मैं रोकती हूँ। एक सवाल और पूछना चाहूंगी आपसे कि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इस बार जो उपचुनाव है उसमें वो जीत रहे हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने ये बात कही है, इस बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि उनकी सरकार भी है? वो तो हर बार यही कहते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, और हर बार वो जीतते भी हैं। कहीं स्टेट्स आप देखो, यूपी में कह रहे थे हम सारी सीटें जीत रहे हैं, यूपी में कितनी सीटें आई, कहीं कहीं उनकी सरकार भी नहीं है। नहीं नहीं, आप देखो ना, आप ऑल ओवर देखो, 5 स्टेटों में चुनाव हुए, 5 स्टेटों में से एक स्टेट के अंदर उनकी सरकार बनी, बाकी 4 जगह जहां पर चुनाव हो रहे थे, जो हर जगह हर एक कैंडिडेट की चाहे 400 सीटों पर लड़े, वहाँ की वहाँ 400 सीटों की जमानत जब्त हो गई। दिल्ली के अंदर सब्सिडी खत्म कर रहा है और अब वो पंजाब में जाके कह रहा है कि मैं वहाँ की सब्सिडी दूंगा, तो वहाँ के झूठे वादे जो उसने करे थे। इसका मतलब आपका कहना है कि वो दिल्ली का पैसा जो है वो पंजाब में लेके जा रहे हैं? वो दिल्ली का पैसा तो आपने तो यही कहा ना अभी कि यहाँ का सब्सिडी बंद करके वहाँ लेके। आप एक बात बताओ, आप किसी भी स्कूल में जाओ, सवाल आप पूछ रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप किसी भी स्कूल में जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो दिल्ली का पैसा पंजाब में कैसे लेके गए। उन्होंने आप बजट देखेंगे, आरटीआई लगाएंगे, 25 लाख रुपए का एक रूम तैयार करा है। भाई 25 लाख का एक रूम का मतलब क्या है? मतलब 25 लाख रुपए आप सोच सकते हैं कि 25 लाख में क्या क्या चीज़ें आप एक डाइनिंग रूम बना लेंगे ना, तो आपका महल खड़ा हो जाएगा। तो जैसे कि हमने देखा कि भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो लगातार पूरा जोर डाल रहे हैं 23 जून के उपचुनाव के लिए, और क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं हमने उनसे बात की और जानने की कोशिश की कि किस तरह से वो लोगों के और जनता के बीच जा रहे हैं और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी चीज़ें लोगों के सामने रख रहे हैं कि क्या कुछ उनकी नीतियाँ होंगी, क्या कुछ उनके जो लोगों के लिए कार्य होंगे, उस बारे में उन्होंने जनता से बात की। कैमरामैन यादव शर्मा के साथ निधि विनोदिया, दिल्ली। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए News 44।